इंदौर लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे निर्वाचन आयोग के निर्देश पर संबंधित विभाग अपनी तैयारियां भी पूर्ण कर रहे हैं। ऐसा ही एक महत्वपूर्ण विभाग है स्वास्थ्य विभाग, जिसने भी अपनी तैयारी पूर्ण कर ली है। लोकसभा चुनाव में एक और जहां पुलिस और प्रशासनिक विभाग के कई अधिकारी और कर्मचारी चुनाव कार्य में अपना योगदान देते हैं, उसी तरह स्वास्थ्य विभाग का भी अपना एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहता है। स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां किस तरह की होती है, क्या तैयारियां की गई है, क्या जवाबदारी उनके कंधों पर रहती है, इन सब मामलों को लेकर दोपहर न्यूज की टीम ने जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रवीण जड़िया से खास चर्चा की। चुनावी समर चल रहा है, इंदौर लोकसभा चुनाव निकट आ चुके हैं, मतदान के लिए चंद दिन ही शेष रह चुके हैं। पुलिस और प्रशासन की भूमिका से तो आप सभी अवगत हो चुके थे, आज हम आपको अवगत कराने जा रहे हैं एक ऐसे महत्वपूर्ण विभाग से जिसे स्वास्थ्य विभाग कहा जाता है। स्वास्थ्य विभाग की भी इस चुनाव में ही नहीं बल्कि हर चुनाव में या कहा जाए कि हर पोजीशन में खास आवश्यकता महसूस होती है। आज हमारे साथ मौजूद है मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रवीण जड़िया जी। हम सबसे जानना चाहेंगे किस तरह की उनकी व्यवस्था है, किस तरह से इस चुनावी समर की उन्होंने तैयारियां की है, क्या क्या चुनौतियां उनके सामने हैं। सर, दोपहर न्यूज चैनल में सबसे पहले तो आपका स्वागत है। सर, जानना चाहेंगे कि स्वास्थ्य विभाग की भी एक बड़ी भूमिका रहती है आमतौर पर सभी चुनाव में, वर्तमान में लोकसभा चुनाव सामने है, तो किस तरह से आपने तैयारी की है और क्या भूमिका रहती है आपकी? निश्चित तौर पे इस बार चूंकि गर्मी बहुत पड़ रही है तो इस चुनाव में स्वास्थ्य को लेकर बहुत जागरूकता की आवश्यकता है और सतर्क रहने की भी बहुत आवश्यकता है। माननीय कलेक्टर महोदय के निर्देश में और जो हमारी नोडल अधिकारी हैं सुश्री नेहा मीणा जी के नेतृत्व में हमने पूरी तैयारी कर रखी है और सामग्री वितरण से लेकर सामग्री जब तक वापस नहीं आ जाती है और जब तक हमारा काउंटिंग नहीं हो जाती तब तक की पूरी व्यवस्था की जा चुकी है। सामग्री वितरण के दिन हमारी 13 मेडिकल टीमें लगाई गई हैं। सामग्री जिस दिन वापस आनी है चुनाव के पश्चात उस दिन 12 टीमें लगाई गई हैं तथा काउंटिंग के दिन भी हमारी 12 टीमें लगाई गई हैं। 2 एम्बुलेंस उस दिन स्थायी तौर पर वहाँ पर खड़ी रहेंगी जहाँ पर काउंटिंग ये सामग्री वितरण स्थल है यानी कि नेहरू स्टेडियम में। 2 अस्थायी रूप से PHC बनाई जाएंगी जिनमें 5 स्टाफ महज चिकित्सक के वहाँ रहेंगे और इनकी पूरी व्यवस्था रहेगी। 7 में PCCT अस्पताल जो कि निकट में ही है वहाँ पर यदि आवश्यकता पड़ती है तो मरीजों को किसी की आवश्यकता पड़ने पर वहाँ शिफ्ट भी किया जा सकेगा। एक व्यवस्था पैरेलल रूप से ये रहेगी कि जहाँ से वाहन चुनाव सामग्री और मतदान कर्मियों को लेकर जाएगा उनके अतिरिक्त द्वार एक रखा जाएगा ताकि आवश्यकता पड़ने पर कोई अवरोध ना हो और वहाँ से मरीजों को वहाँ ले जाया जा सके। इसके अतिरिक्त जिस दिन मतदान होना है उस दिन हमारे मतदान कर्मियों के रूप में को मदद करने के लिए आवश्यकता पड़ने पर कुल 178 ऐसे स्वास्थ्य कर्मियों को लगाए गए हैं जिनमें चिकित्सक भी हैं और हमारे अन्य स्वास्थ्य कर्मी भी हैं। कुल 178 व्यक्ति हमारे ऐसी टीमों के साथ रहेंगे जो आवश्यकता पड़ने पर मैं औषधि तैयार रहेंगे, कभी भी जरूरत पड़ने पर वो मदद करने के तैयार रहेंगे। मतदान के दिन हमारी जो 20 PHC हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, 4 CHC हैं तथा शहरी क्षेत्र के 6 बड़े अस्पताल हैं, ये 24 घंटे पूरे समय तक खुले रहेंगे और इनमें चिकित्सक उपलब्ध रहेंगे। आकस्मिकता की किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। सर, चूंकि चुनाव ड्यूटी के दौरान काफी संख्या में जो है कर्मचारियों के ड्यूटी लगे जाते हैं, पुलिस प्रशासन और भी दूसरे टीचिंग स्टाफ भी है, कुछ ऐसे में जो कई तरह की दवाई गोली जो एक नॉर्मल रूप से दी जाती है जिसकी आवश्यकता का भी महसूस हो, क्योंकि छोटी मोटी बातों के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीम को कहीं बुलाएगा नहीं, तो क्या सारे मतदान दलों को या केंद्रों पे इस तरह की कोई दवाई गोलियां वितरित की गई? आवश्यकता अनुसार एक शॉर्ट लिस्ट करके हमने 3,000 के लगभग किट बनाकर उपलब्ध करा दी है जो कि प्रत्येक मतदान दलों के साथ में उपलब्ध रहेंगे। साथ में उनको कैसे उपयोग करना है और किस समय उपयोग करना है ताकि सामान्य स्थितियों में वह मतदान कर्मी स्वयं उनका उपयोग कर सकते हैं। यदि प्रारंभिक उपयोग के पश्चात उन्हें आवश्यकता पड़ती है और उन्हें लाभ नहीं मिलता है ऐसी स्थिति में वह अपने जो उनके अधिकारी रहेंगे मतदान कर्मी वो उनके माध्यम से अपने जोनल अधिकारी को कवर कर सकते हैं और हमारे जो मेडिकल ऑफिसर हैं वो उन्हें जाकर अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराएं। सर, जहाँ तक जैसे मतदान का जो मुख्य स्थल है नेहरू स्टेडियम है जहाँ से सामग्री जाएगी, इसके अलावा जो मतदान केंद्र है तो मैं समझता हूँ अनुमानित दूरी कम से कम 15-20 किलोमीटर तक जो दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ भी आपने बताया सर जैसे 2 एम्बुलेंस है, तो इन दोनों एम्बुलेंस को किस तरह से डिवाइड किया कि आवश्यकता पड़ने पर कुल कितने कम किलोमीटर की दर में ये पहुंच सकती है?
दो एम्बुलेंस जो मैंने बताई थी, ये मतदान सामग्री वितरण और मतदान सामग्री वापिस आने तथा मतदान ये जिस मतगणना के समय नेहरू स्टेडियम में खड़ी होने के लिए की वक्त के लिए बताई थी। इसके अतिरिक्त जो हमारी 108 है वो 16 108 हमारी विभिन्न थाना स्थल थाना पे खड़ी रहती है और किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में वह उपकार है। मतलब कुल मिला के जो वाहन 108 है उसका पूरा पूरा उपयोग इसमें किया जाएगा। लेकिन सर, क्या ऐसा कभी हुआ है कि कोई अचानक ऐसी कोई क्रिटिकल स्थिति निर्मित हो गई हो जिससे देखते हुए मतलब कह सकते हैं जो कि एहतियात बरती गई हो ताकि भविष्य में ऐसा कोई कुछ हुआ है क्या इसके दौरान पिछले चुनाव को आपका अनुभव काफी रहा है? ऐसी कोई गंभीर घटना मुझे तो याद नहीं आ रही है, परंतु यदि कभी ऐसी आती है तो हम पूरी तरह से सतर्क हैं और तैयार हैं ऐसी आकस्मिकता से निपटने। सर, क्या संदेश देना चाहेंगे आप जनपुर की? देखिए, चूंकि गर्मी बहुत अधिक है तो मेरा सभी को ये कहना है कि पहला तो ये कि शत प्रतिशत मतदान करें, पूर्णतः जागरूक रह के हमें पूरा उपयोग करना है। गर्मी से बचाव के लिए जब भी आप बाहर निकले प्रयास ये रहे कि अधिक से अधिक पानी पिए, छाँव में रहें, कम से कम एक गमछा कैप ऐसा कुछ इस्तेमाल करके बाहर निकलें ताकि तेज धूप में डायरेक्ट सनलाइट में आप बाहर ना निकलें ताकि लू से बच सकें और अपने मत का प्रयोग करें। तो ये थे डॉक्टर जड़िया जी, हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं और आप लोगों को भी शायद जानकर बड़ी खुशी होगी कि इतने बड़े मतदान कार्यक्रम में जो निर्वाचन का एक जो महायज्ञ है इसमें स्वास्थ्य विभाग की भी एक बड़ी भूमिका है और स्वास्थ्य विभाग ने भी आपके स्वास्थ्य को देखते हुए काफी कुछ तैयारियां कर रखी है। इसलिए स्वाभाविक है कि इस मतदान में सभी का भरपूर योगदान रहेगा। हम भी एक बार पुनः अपील करते हैं कि कृपया मतदान अवश्य करें। कैमरा पर्सन नीरज बोरासी के साथ राजेश पगलोदिया, टॉप एंड